नमस्कार जी, कैसे हैं फ्रेंड्स? सुबह सुबह मौसम बहुत ही अच्छा है और मैं आप लोगों को अपने 9 o'clock दिखा रही हूँ कि मैंने अपनी जो पॉट बनाए थे उसमें मैंने 9 o'clock लगाया है और काफ़ी खूबसूरत निकल के आया है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मेरे यहाँ काफ़ी सारा 9 o'clock मॉर्निंग में खिलता है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस खूबसूरत प्लांट से मिलवाने वाली हूँ। इसकी लीव्स देखें कितनी प्यारी है। सो फ्रेंड्स, इस प्लांट का नाम आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ और फिर बताने जा रही हूँ। इस प्लांट्स का नाम है सुख शांति। फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छा प्लांट है। जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम भी है फ्रेंड्स। घर में काफ़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी देता है फ्रेंड्स ये प्लांट, और मुझे लगता है हम गार्डनर्स के पास, प्लांट्स लविंग के पास में ये प्लांट्स ज़रूर होना चाहिए फ्रेंड्स। इस प्लांट्स को अपने घर में जगह दें फ्रेंड्स। ये थोड़ा टॉल हो गया था और इसकी जो ब्रांचेज हैं वो झुक रही थी इधर उधर, तो मैंने इसमें ये देख रही है कि ये प्लास्टिक का पाइप के सहारे से इस प्लांट को चलाने की कोशिश करी है, जो कि काफ़ी खूबसूरत चल रहा है ये देखिए। और फ्रेंड्स, मैंने इसको ज़्यादा बड़े पॉट में जगह नहीं दी है। ये जो 4 inches का शायद पॉट है मेरे पास में, और मैंने इसको इसमें लगाया है जो कि काफ़ी खूबसूरती से चल रहा है इसके अंदर। फ्रेंड्स, मैं आज आपको इसके बारे में जो बताने वाली हूँ, अगर आपके पास में ये प्लांट है तो भी, और नहीं है तो फ्रेंड्स आप इसकी लीव्स पहचान लें, इस प्लांट को देख लें कैसा है। और फ्रेंड्स, इस प्लांट को आप लाएं जहाँ भी आपको दिखे अपने फ्रेंड्स के यहाँ, या फिर कहीं पार्क वगैरह में कहीं भी आपको नज़र आता है, और कहीं ना भी आए तो आप नर्सरी जा सकते हैं, अपने माली से मंगा सकते हैं फ्रेंड्स। इस प्लांट को आप इस बरसात ज़रूर लगाएं, और अगर कहीं दिखता है तो फ्रेंड्स इसकी एक ब्रांच कट करके और आप मिट्टी में लगा दें फ्रेंड्स, बहुत ईजिली ये चलने लगता है और काफ़ी खूबसूरत प्लांट है। मुझे तो लगता है हमारे घर में ये कम से कम 2 pot में होना चाहिए। अभी ये जिस तरीके से चल रहा है फ्रेंड्स, मैंने इसको छेड़छाड़ नहीं करी है, फिर मैं इसको फ्रेंड्स 10 inches के पॉट में इसको लगाने वाली हूँ, क्योंकि ये काफ़ी बुशी हो जाता है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। तो ठीक है, मैंने सोचा कि इसको अभी इसमें आराम से, इसमें स्टिक लगा दी थी मैंने प्लास्टिक की और उसके सहारे से बांध दिया है फ्रेंड्स, क्योंकि इसकी ब्रांच इधर उधर भाग रही थी। और अभी इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बरसात है तो बरसात में ये काफ़ी खूबसूरत निकल के आ रहा है धीरे धीरे। गर्मियों में थोड़ा सा ये बर्न हो गया था, मैंने ऐसी जगह रखा था फ्रेंड्स इसको, तो इसको फ्रेंड्स वैसे तो ज़्यादा शेडी प्लेस नहीं चाहिए होता है, पर इसको ऐसी जगह रखी जहाँ पर ब्राइट सनलाइट हो, काफ़ी खूबसूरत निकल के आता है फ्रेंड्स ये, और कटिंग से ईजिली लग जाता है इसकी। आप ऐसी जैसी मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देख रहे हैं, ऐसी एक ब्रांच मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के। ये देखिए, ये ब्रांच मैंने निकाल ली है इस तरीके से, और कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स इसमें, ना तो आपको कोई रूट हॉर्मोन्स लगाना है, ना दालचीनी लगानी है, और इस तरीके से ये सॉफ्ट मिट्टी है मेरी, और इसमें इस तरीके से फ्रेंड्स ये देखिए इसको इस तरीके से दबा देना है बस। काफ़ी फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा ये प्लांट लग गया है, और अभी बरसात है तो एक प्लांट से 2 plants इजीली हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो अगर आपको कोई भी प्लांट्स ऐसा लगता है फिलहाल कि मेरा बड़ा ही खूबसूरत प्लांट है, तो उसको फ्रेंड्स कटिंग से ट्राई करें ज़रूर। तकरीबन प्लांट कटिंग से लगते हैं, तो आप ज़रूर इस बरसात ट्राई करें, और ये सुख शांति का जो पौधा है इसको अपने घर में फ्रेंड्स ज़रूर जगा दें। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आती है, आई फील, मैंने इसको फील किया है, और आप लोगों को भी सजेस्ट करती हूँ कि फ्रेंड्स इस प्लांट्स को आप ज़रूर लगाएं। घर में थोड़ी सी जगह दें, ज़्यादा बड़े पॉट में ये जगह नहीं मांगता है, आप इसको छोटे पॉट में लगाएं लाके, पर ज़रूर लगाएं फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और फ्रेंड्स मेरे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि ऐसी ही खूबसूरत खूबसूरत वीडियोस आप लोगों को सबसे पहले मिले। तब तक के लिए फ्रेंड्स, अपना और अपने गार्डन्स का ख्याल रखें, अपने प्लांट्स का। फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से किसी दूसरी वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।